आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। तो इट इज़ अ बैरियर दैट सेपरेट अ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है, एक तरीके से बैरियर का काम करता है, और जो सेल का अंदर का स्ट्रक्चर है उसको बाहर के एनवायरनमेंट से बचा के रखता है। तो इन एनिमल सेल्स में इट इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर जो सेल मेम्ब्रेन की होती है, और प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, एक सेल वॉल भी होती है, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बनी होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फॉस्फोलिपिड। जो फॉस्फोलिपिड होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन का उसको बनाता है। तो मोस्ट ऑफ द, मतलब 80 से 85% जो सेल मेम्ब्रेन बना होता है वो फॉस्फोलिपिड से बना होता है। तो जो अगर हम एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल उठाकर देखें, तो उसका एक हेड होती है और दो टेल्स होती है। तो जो हेड होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, और जो इसकी टेल्स होती है दो, वो बनी होती है फैटी एसिड चेन से मिलके बनी होती है। तो जो इसके हेड होता है, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि वाटर लविंग, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। और जो इसकी टेल्स होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर हाइड्रेट, वाटर को दूर करती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से बना होता है कि जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है लेयर का, वो होता है हेड, इनर साइड से भी और आउटर साइड से भी। और जो इसकी टेल्स होती है वो होती है स्ट्रक्चर, जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसके बीच में होती है जो टेल्स होती है। तो इस तरीके से ये दो लेयर बनाती है, तो ये डबल लेयर मेम्ब्रेन बनाती है, इसलिए इसको कहा जाता है लिपिड बाइलेयर। तो हम बोलेंगे द फॉस्फोलिपिड ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन आर अरेंज इन अ डबल लेयर इज कॉल्ड द लिपिड बाइलेयर। अब जो ये मेम्ब्रेन होती है, इसके आउटर साइड तो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, जो कि सेल के बाहर का फ्लूड होता है, और इसके जो अंदर होता है उस फ्लूड को कहा जाता है इंट्रा सेलुलर फ्लूड। अब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेरॉल और कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ द फोर रिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन चेन। तो कार्बन हाइड्रोजन चेन की फोर रिंग से मिलके बना होता है एक कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल, और ये क्या होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोफोबिक। तो ये अटैच होते हैं जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का जो टेल होती है, उस टेल से ये अटैच होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है, जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का वर्क होता है, कि इट प्रिवेंट द स्मॉल मॉलिक्यूल टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सो दे स्ट्रेंथन द मेम्ब्रेन बाय प्रिवेंटिंग द स्मॉल मॉलिक्यूल टू क्रॉस थ्रू मेम्ब्रेन। तो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। उसके जो दूसरा फंक्शन हम देखें, तो ये क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी और जो फ्लूडिटी है उसको भी मेंटेन करता है। तो इट इंश्योर दैट द मेम्ब्रेन शुड हैव द प्रॉपर फ्लूडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं कोलेस्ट्रॉल के। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो जो प्रोटीन होता है, इसका भी इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन में। तो जो प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है उसे कहा जाता है इंटीग्रल प्रोटीन, और जो प्रोटीन आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है उसे कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, या फिर अदर देन द इंटीग्रल प्रोटीन उसे कहा जाता है पेरिफेरल प्रोटीन उसे कहा जाता है। अब जो ये इंटीग्रल प्रोटीन होता है, इससे क्या होते हैं, जो मटेरियल होता है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो अदर चैनल्स के थ्रू पास नहीं हो पाते, तो वो इस इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू इजिली पास हो जाते हैं और अंदर इंटर कर जाते हैं सेल के। तो इट ट्रांसपोर्ट द मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है प्रोटीन का, वो होता है कि इट एक्ट एज एन एंजाइम
एंड स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। तो इंजाइम की तरह भी ये काम करता है और सेल के अंदर या फिर सेल मेम्ब्रेन में स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट, वो कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये शुगर होते हैं और ये पाए जाते हैं जो सेल मेम्ब्रेन का जो आउटर लेयर है वहाँ ये कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो शुगर होते हैं इट फॉर्म द ग्लाइकोकैलिक्स और आउटर पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ये पाए जाते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट काम होता है ग्लाइकोकैलिक्स का, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल रिकग्निशन, सेल की पहचान करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ग्लाइकोकैलिक्स एंड इट आल्सो एक्ट एज अ ग्लू टू ज्वाइन सेल टुगेदर। तो सेल को जोड़ने में भी ये काम करता है ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे ग्लाइकोकैलिक्स के। तो जनरली जो साइंटिस्ट होते हैं दे डिस्क्राइब द सेल मेम्ब्रेन बाय द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है इसमें जो मोज़ेक है उसका मतलब होता है मोज़ेक रिफर टू समथिंग दैट हैज़ मैनी डिफरेंट पार्ट, तो उसे मोज़ेक कहा जाता है। इसी तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो भी एक तरीके से फ्लूइड मोज़ेक की तरह होता है। फ्लूइड मोज़ेक की तरह मतलब जो उसका आउटर लेयर होती है वो भी फ्लूइड से बनी होती है और जो मेम्ब्रेन की अंदर का जो हिस्सा होता है अंदर का जो पार्ट होता है दैट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ द फ्लूइड। इस तरीके से जो होल ऑफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है एक तरीके से फ्लेक्सिबल होती है और लिक्विड कंसिस्टेंसी की होती है, मोर देन द लिक्विड कंसिस्टेंसी हम बोल सकते हैं। जैसे इट इज़ लाइक द जैसे ऑयल की कंसिस्टेंसी होती है, इट्स कंसिस्टेंसी इज़ लाइक द वेजिटेबल ऑयल।